26 नवंबर फिल्म की शूटिंग बीते 15 दिन से शुरू है और इस मौके पर निर्माता नीलेश ओंकार और अनिल कुमार जवादी और फिल्म के एक्टर सयाजी शिंदे से हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है, आइए डालते एक नजर। 26 नवंबर फिल्म हमें याद दिलाती है कि संविधान किसी विशेष जाति समुदाय या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। हम भारतीय हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर का दिन हमारे देश के नागरिकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने एक अधिसूचना GR के माध्यम से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस फिल्म का उद्देश्य यही है कि देश के आम नागरिकों को इस दिन को संवैधानिक अधिकार दिवस के रूप में मनाने के महत्व को दिखाया जाएगा, ऐसी जानकारी निर्माता द्वारा दी गई है। सिनेमा हा संविधानाची जाणीव प्रत्येक माणसाला व्हावी किंवा संविधानात जे अधिकार दिले आहेत, जे कर्तव्य आहेत, मूलभूत अधिकार आहेत, या कायद्यांची जाणीव प्रत्येक माणसाला व्हावी यासाठी हा सिनेमा करतो आहे आम्ही। आणि सिनेमाचे सगळे कलाकार, दिग्गज कलाकार आहेत। हा सिनेमा म्हणजे आम्ही जी मेहनत करतो आहे, तर खरंच दर्शकांनी त्या चित्रपटाला तितका प्रतिसाद दर्शक देतील ही अपेक्षा आहेच। फिल्म 26 नवंबर की कहानी नायक अनिकेत विश्वासराव के इर्द गिर्द घूमती है, जो लोग निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रूप में काम करता है। फिल्म के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के भारत के विचार और उनके पिता एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के विचारों से प्रभावित नायक का पूरा परिवार बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित है और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलते हुए उनसे जुड़ी किताबें पढ़ने में काफी दिलचस्पी लेता है। 26 नवंबर या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी सयाजी शिंदे जे या फिल्मचे विलन आहेत त्यांच्यासोबत हा चित्रीकरण आहे। तसं मी प्रोड्युसर आहे, पण या चित्रपटामध्ये मला मुख्यमंत्र्याची भूमिका दिलेली आहे, तर ती भूमिका मी या ठिकाणी करत आहे। मी विदर्भाचा आणि विदर्भ हे पूर्वी राज्य होतं, राजधानी होती, तिला राजधानीचं स्वरूप यावं याचा एक छोटासा प्रयत्न। जर चित्रपट नगरी इथे तयार झाली तर याही क्षेत्राला इथे वाव मिळेल, हा मुख्य उद्देश विदर्भामध्ये चित्रीकरणात। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नायक झुग्गियों में रहने वाले वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। 26 नवंबर हा चित्रपट लिहिताना जसं झालंय की प्रत्येक माणूस 15 ऑगस्ट साजरा करतो, 26 जानेवारी साजरी करतोय, पण ज्या 26 नोव्हेंबर या दिवसाने तमाम भारतीयांना हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्त करून एक समानतेची वागणूक दिली, तो दिवस खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्याचा दिवस आहे असं मला वाटतं। आणि तो दिवस जनमानसात जावा, आणि संविधान हे कुठल्या जातीचं किंवा कुठल्या धर्माचं नाही, तर ते या देशातल्या 140-150 कोटी जनतेचं आहे। आणि या चित्रपटाच्या माध्यमातून आमचा प्रयत्न असा आहे की संविधान घराघरात पोहोचावं, ज्या पद्धतीनं आपण शाळा कॉलेज डिग्र्या वगैरे घेतो त्याच पद्धतीनं भारतीय समाज हा संविधान साक्षर व्हावा, हा त्यामागचा एक मोठा उद्देश आहे। फिल्म 26 नवंबर हमारे देश में आर्थिक असमानता और गरीबों और वंचित लोगों के शोषण के मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है। यह उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाता है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही यह देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संविधान को लेकर यूं तो कई फिल्में बनी, लेकिन मराठी में 26 नवंबर ये फिल्म बनने जा रही है संविधान को लेकर। और उसके जो एक एक्टर है उनसे हम मतलब बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये फिल्म जो है नागपुर में बनाई जा रही है। पूरा शूट जो है मोस्टली शूट उसका नागपुर में हो रहा है और उसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं सयाजी शिंदे उनसे और जानेंगे कि उनका इसमें क्या रोल है और किस तरह से ये मूवी बन रही है, क्योंकि ये मराठी में बनने वाली पहली मूवी होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका BCN न्यूज़ में। मुझे बताइए कि आप नागपुर में शूट कर रहे हो संविधान 26 नवंबर मूवी का, ये मराठी मूवी है, आप बताइए आपका रोल इसमें किस तरह का होगा, क्या बताएं? मैं एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूं और ये बहुत समाज के बारे में अच्छा सोचता है, विकास के बारे में बहुत अच्छा सोचता है और जो
बेरोजगार है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन करता नहीं है। जो समाज में दिखता है उसी का एक प्रतीकात्मक रोल कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी आपका लुक लग रहा है वो कहीं ना कहीं साउथ लुक लग रहा है, तो नेताओं का तो लुक है लेकिन साउथ टच भी आपको आ रहा है, तो इस बारे में कुछ बताइए कि साउथ को भी ये मतलब टच हो रहा है ये मराठी मूवी? नहीं, ये इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में है तो साउथ का ऐसा कुछ अलग नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो सब जगह सेम है ना, अपना इंडिया एक है ना, तो साउथ अलग नहीं है। तो टच मतलब क्या, इन द सेंस एक्टिंग हो या जिस तरह से हम देखते हैं कि मराठी मूवी है, पूरा मराठी, और उसमें जो ड्रामा है वो पूरा मराठी है, मराठी लैंग्वेज में है, और वो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में। हम जैसे देख रहे हैं कि कई अब संविधान में जो है कई कानूनों को बदला जा रहा है, तो उस पर भी इसमें प्रकाश डाला जाएगा? नहीं, ऐसा ये इंडिया गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी या संविधान के ऊपर कुछ बदलाव करने का या ऐसा बोलने का कोई फिल्म से कुछ मतलब नहीं होता है। एक इंटरटेनमेंट है जो लोगों को इंटरटेन करती रहती है। फिल्म से अगर लोग बदलते तो आजकल इतना राम राज्य था, अभी उल्टा राम राज्य चालू हो गया है। जिस तरह से आपने कहा कि फिल्म से अगर लोग बदलते, लेकिन आपके फ़ैन बहुत है, चाहने वाले बहुत है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके फ़ैन लोगों को? देखो, अपने जहाँ भी हो आप सच रहो, खुश रहो, और दूसरों को तकलीफ़ मत दो। अगर आप तकलीफ़ दोगे तो आपको भी तकलीफ़ मिलेगी, तो एंड ऑफ द स्टोरी अच्छा नहीं होगा। राजनेता का रोल कर रहे हो लेकिन कई आपके रोल जो है विलन के भी है और उसे काफ़ी सराहा जा रहा है, तो ये रोल में आपने कैसे ढाला? मतलब आप तो एक एक्टर हो तो वो तो आपके लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन लोगों के वो पसंद आए या ऐसा, उसके लिए आपने क्या खास मेहनत ली है, क्या बताओ? नहीं, ओवरऑल हम लोग सब लोग काम करते हैं, पिक्चर बनते हैं और फिर थिएटर में जब लगता है तब लोगों को पसंद आता है कि नहीं, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। भले भले इतने बड़े बड़े फिल्म निर्माते बन गए, राइटर बन गए, लेकिन इसका फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं है। बस दिल से करने का, फिर लोगों की पसंद है तब पता चलेगा। तो हमारे साथ है सयाजी शिंदे, और नागपुर में जो है 26 नवंबर इस मराठी मूवी की शूटिंग चल रही है और उसमें उनका एक किरदार है, काफ़ी अच्छा किरदार है, और वो फिल्म जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, उसको आप देखिए ज़रूर थिएटर में जाके। और हमने उनसे जाना कि इस जो मूवी है इसमें क्या होने वाला है, और ये मराठी मूवी है इसलिए इसको एक अलग महत्व भी प्राप्त होता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।